everyone, you are watching Fate TV and this is your host Samantha Nelson. Program मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ. अजीजों, मसीह से आज की मुलाकात में लेंट सीजन के हवाले से बात करेंगी. हमारी आज की गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के कलाम की अच्छी गवाह सिस्टर एवेंजेलिस्ट कैस्ट्रोस. जी सिस्टर. जी शलोम एवरीवन. शलोम सिस्टर. और मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज बहुत खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगियों में दिया कि हम इस टॉपिक पे बात कर सकें, कलाम को शेयर कर सकें. तो इसी तरह मैं आपकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने फेथ टीवी पर आने का. तो थैंक यू सिस्टर. और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लेंट सीज़न. जी सिस्टर. तो सिस्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि रोज़ा के अयाम है, लेंट सीज़न है, लोग इसमें रोज़ा रखते हैं और बाकायदगी से अपना वक्त खुदावन के लिए निकालते हैं. तो मेरा आपसे सवाल ये है कि रोज़ा है क्या? जी सिस्टर, आज हम नाज़रीन सीखेंगे कि रोज़ा क्या है. तो रोज़ा हम देखते हैं कि रोज़ा क्या है. रोज़ा एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फाका करना और अपनी जान को दुख देना. और अगर इसी तरह हम इब्रानी ज़ुबान में रोज़ा को देखें तो इब्रानी ज़ुबान में रोज़ा का जो लफ्ज़ है वो सोम है जिसका मतलब है ढांपना. और यूनानी ज़ुबान में रोज़ा को नेस्टियू कहा गया है जिसका मतलब है परहेजकारी. तो जिस तरह रोज़ों के काफ़ी सारे मतलब अलग अलग ज़ुबान में हैं, क्या इसी तरह से रोज़ों की इकसाम भी मौजूद हैं? जी सिस्टर, अगर हम बाइबल मुक़दस में देखते हैं तो रोज़ों की इकसाम हमें बहुत सी मिलती हैं. पुरानी अहदनामा में भी हमें रोज़ों की इकसाम मिलती है और नए अहदनामा में भी हमें रोज़ों की इकसाम मिलती है. जबकि अगर हम पुरानी अहदनामा में देखें तो रोज़ा हमें एक कफ़ारा के तौर पर भी रखा जाता है और शुक्रगुजारी के लिए भी हम नाज़रीन रोज़ा रख सकते हैं और मातम के लिए भी रोज़ा रखा जाता है और जिसका निशान है तौबा. जब हम मातम के लिए रोज़ा रखते हैं तो उसका निशान हमें तौबा का निशान मिलता है. और इसी तरह जब हम खुदा से मदद और हदायत मांगने के लिए भी रोज़ा रखते हैं. और रियाकारी का रोज़ा भी हमें पुराने अहदनामा में मिलता है. इसके अलावा जब हम नए अहदनामा में गौर करते हैं तो जो नए अहदनामा में फरीसी जो थे वो हफ्ता में दो दिन रोज़ा रखते थे और जो यहूदी खुदा प्रस्त लोग थे वो भी इसी तरह रोज़ा रखते थे. और जो यीशु मसीह ने रोज़ा 40 दिन का फाका किया तो वो उन्होंने एक आजमाइश के सिलसिले में रोज़ा रखा. वो रोज़ा उनकी एक बड़ी खिदमत के शुरू होने से पहले उन्होंने रखा था. और इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी बहुत सारे रोज़े रखे. और जब किसी कलीसिया में बुज़ुर्गों को मुकरर करने के लिए भी रोज़ों जो है रसूलों ने रोज़े रखे. तो सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि 40 रोज़े हम भी रखें और ये लेंट सीज़न को मनाया जाए, इस सब का आगाज़ कहाँ से हुआ? जी सिस्टर, आज हम इस पर गौर करेंगे कि रोज़ों का आगाज़ लेंट सीज़न कब हुआ. तो आज हम इस पर गौर करेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे. तो 325वीं ईस्वी में काउंसिल ऑफ निसिया ने रखा और कलीसिया ने रोज़ों का आगाज़ किया. इसी तरह हम 1090 या 1091 में पोप अर्बन ने भी रोज़ों का आगाज़ किया. तो जिसका मेन मंशूर था कि तू खाक है और तू खाक में लौटेगा. तो फिर लोगों ने रोज़े रखने शुरू किए ताकि इंसान अपने आप को खाकिसार बना ले और आजिज़ बना ले. तो इस सारे जो है इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक जब राख का बुध का आगाज़ होता है तो इस वक्त रोज़ों की जो तादाद थी वो 36 रोज़ों का आगाज़ किया गया था. और इसके बाद जब 40 रोज़े ये रखे गए. और इसी तरह जब हम देखते हैं तो 1907 ईस्वी में एक वेटिकल काउंसिल आपस में बैठी और उन्होंने कहा कि तब तो खाक है और खाक में मिट जाएगा. इसके साथ उन्होंने एक तहरीर को ऐड किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो सकता है कि तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ. तो कैथोलिक नज़रिए के मुताबिक तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ ये लेंट सीज़न कहा जाता है.
इस सब का आगाज जो है अर्ली चर्चेस के टाइम से ही हो चुका होता। जी, तो इसी तरह नासरीन अगर हम और मजीद देखें तो 15वीं ईस्वी में मार्टिन लूथर ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो राख को अपने माथे पर लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राख जो है हमें माथे पर लगा देने से हमारी पकीज़गी और तौबा का हम इजहार नहीं कर सकते हैं। उसने कहा कि हम ईमान लाने से ही जिंदा रहे हैं और हम ईमान ही की बदौलत यीशु मसीह को आज हम अपनी ज़िंदगियों में कबूल किए हुए हैं, तो ज़रूरी है कि हम ईमान लाएं और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। बेशक, क्योंकि लिखा है कि ईमान ही से मेरा रास्तबाज बंदा जीता रहेगा। जी सिस्टर्स, तो मज़ीद आप इस बारे में क्या ऐड करना चाहते हैं? जी, तो मैं इस बारे में यही आपको बताना चाहती हूँ कि हमें ज़रूरी है कि हम तौबा करें और खुशखबरी पर ईमान लाएं। तो रोज़ा रखने के तो बहुत सारे तरीके हैं। लोग आजकल देखते हैं हम सोशल मीडिया पे वो रोज़े बता कर रखते हैं कि आज हम रोज़े में जा रहे हैं और हमारे लिए दुआ करना, जबकि रोज़ा दुआ खुद करने का एक अमल है कि आप रोज़े में जाते हैं दुआ करते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है आखिर में कि रोज़ा रखना कैसे चाहिए? जी सिस्टर, तो हम ज़रूर हम इसको देखेंगे कि हमें रोज़ा कैसे रखना चाहिए। तो जो बाइबल मुकद्दस है हमें क्या बताती है कि हमें रोज़ा कैसे रखना चाहिए, उसके लिए हम हवाला देखेंगे। नए अहदनामा में हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत पर हम गौर करेंगे। तो सिस्टर जी आप ज़रूर इसकी तलावत करें। जी, और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोज़ादार जाने। इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन, आमीन। तो हम इस वर्ष पर हम गौर करेंगे कि इस वर्ष में जो है हमें क्या मिल रहा है सीखने को। तो हमें लिखा हुआ है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जबकि सिस्टर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़ा रखते हैं तो उनके चेहरों से साफ नज़र आ रहा है कि हाँ ये इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, वो अपने आप को कुछ शो करवाते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। जबकि कलामे मुकद्दस हमें क्या कहता है कि अपनी सूरत को ना बिगाड़ो और सर में तेल डाल। तो इसमें जो सर में तेल डालना है वो है अनॉइंटिंग को लेना। तो रूहुल कुद्स की मामूरी को हमने रोज़ा रखने में हमने ज़्यादा से ज़्यादा मांगना है ताकि हम रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं और हम उस रोज़ा में पाकरू की हदायत से पाकरू को गहरे तौर पर अपनी ज़िंदगियों में मांगें। इसका मतलब ये है। तो हमें किस तरह से अपने आप को करना है कि हमें देखना है कि अपने अंदर जो हमारी कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, हमें उससे परहेज़ करना है। और यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमारे दिल में है वो ही हमारे चेहरे पर आता है, और उसके मुताबिक कलाम कहता है कि अपने मुंह को धो, यानी अपने फिज़िकली मुंह धोने की बात नहीं हो रही बल्कि अपने चेहरे पर आने वाले उन तासुरात को, उन बुरी कैफियत को अपने अंदर से धो डाल निकाल दे। जी सिस्टर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। हमें रोज़ा की हालत में रूह से मैमूर होते रहना है, रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में मांगना है और अपने अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उनको दूर करना है। और लिखा है कि ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मतलब ये कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये सिर्फ मामला जो है, ये जो कमिटमेंट है, जब हम रोज़ा के लिए कमिटमेंट करते हैं तो वो सिर्फ़ हमारे और हमारे बाप के दरमियान में होनी चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे को बताएं कि आज हमने रोज़ा रखा हुआ है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये हमारे बाप के दरमियान और हमारे दरमियान में होनी चाहिए कि आज हमने रोज़ा रखा है और खुदा बाप हमने इस मकसद के लिए रोज़ा रखा है, हमें आपकी मदद और हदायत के लिए रोज़ा रखा है, शुक्रगुजारी के लिए रोज़ा
रोज़ा रखा है, तो ये सिर्फ जो कमिटमेंट है वो हमारी बाप से होनी चाहिए। जी सिस्टर कैथरोज, बहुत शुक्रिया इन सारी मालूमात के लिए जो लेंट सीज़न के ताल्लुक से आपने दी, और ख़ास तौर पे रोज़ा रखने के हवाले से, और ये के रोज़ा में तेल लगाने का और मुंह धोने का क्या मतलब है बाइबल में। इसे हम हमेशा आयत की तरह पढ़ लेते हैं लेकिन इसके मकसद को, इस मतलब को जान नहीं पाते। मेरे अजीज़ों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो लोग हमें रोज़ादार ना जाने, जब हम अपने आप को रोज़ा में रखते हैं, यानी उस अपने आप को अलैदगी में रखते हैं, अपने जिस्म को, जिस तरह के उन्होंने बताया रोज़ा का मतलब है दुख देना, अपने आप को जब जिस्मानी तौर पर हम दुख देते हैं, अपनी ख्वाहिशों से अलग करते हैं, अपनी आप को मखसूस करके लेकर के आते हैं, तो उस मसा को भी ज़रूर है कि हम पर ठहरना चाहिए, हमारी कैफियत, हमारे सारे मिजाज को बिल्कुल मसीह के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। हम रोज़ा तो रखते हैं, दुआ तो करते हैं, लेकिन वो रोज़ा कुछ वक्त बाद रोटी खा लेने से ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही रोज़ा ख़त्म होता है हम अपनी पुरानी कैफियत में चले जाते हैं, तो ऐसा रोज़ा बिल्कुल रखना बेमानी हो जाता है। अगर वो मसा हमें ठहरता नहीं है, पाकीज़गी हमें रहती नहीं है, तो ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा। रोज़ा वो हो जिसमें मसा आप पर आकर के ठहरे और आप बथेरों के लिए बाय से बरकत ठहरें और खुदावंद आपको आपकी दुआओं का बदला दे, यानी आपको भी निजात दे और आपके वसीले से बथेरे निजात पाने वाले बने। अजीज़ों, रोज़े के ताल्लुक से आज जितनी भी बातें हुई हैं, ख़ासतौर पर मसीही तालीम के हवाले से, कि मसीह यीशु हमें रोज़ा के हवाले से क्या सिखाते हैं और क्या बताते हैं, तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद है आज के इस सारे कलाम से, इन सारी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत बरकत पाई है। जी सिस्टर कैथरोज, बहुत शुक्रिया इन सारी मालूमात के लिए, और रोज़ा रखने के ताल्लुक से जो आपने ख़ास बातें मेंशन की कि तेल डालकर अपने आप को मसा में लेकर के आना, मामूरी में लेकर आना जो खुदा की तरफ से है, ताकि उस हदायत में चलें जो खुदावंद की तरफ से है, और अपने अंदर से मुंह धो कर के उन सारी चीज़ों को निकालना जो खुदा की तरफ से हम में नहीं है, यानी अपनी इंसानी कैफियत, अपने इंसानी मिजाज को और हर तरह की नापाक अलाइशों से खुद को पाक करके उसके मसा और मखसूसियत में आए। क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि तुम जो खुदा में दूर थे अब मसीह यीशु के खून के सबब से नज़दीक हो, यानी वो कफ़ारा जिसकी खुशी हम मनाने को है, बल्कि मेरे नज़दीक कफ़ारा की खुशी हर रोज़ है। रोज़ा रखना और अपने आप को मसा मखसूसियत में लेकर के आना हर रोज़ का अमल होना चाहिए, सिर्फ एक लेंट सीज़न तक हमें इसे महदूद नहीं रखना, क्योंकि कफ़ारा तो हो चुका और हमें निजात मिल गई और खुदा ने हमें रिहाई दे दी है गुनाहों से, तो इस बात की खुशी और रोज़ा में रुक कर अपने आप को हर रोज़ मसा और मखसूसियत में लेकर के आना हमारा अहम मकसद होना चाहिए, ना सिर्फ लेंट सीज़न में, और क्योंकि उसका खून ही है जो हमें खुदा बाप के हुजूर रास्तबाज ठहराता है, और हमें अपने लिए, अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी मसीह कलीसियाओं के लिए मसीह यीशु के उस लहू की कुदरत को जो हमें खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहराती है मांगने की ज़रूरत है। उस मसा और मखसूसियत और मामूरी को अपनी ज़िंदगी में ठहरा देने की ज़रूरत है। अजीज़ों, इसी के साथ मैं अपनी बहन कैथरोज से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए इस ताल्लुक से एक दुआ ज़रूर कर दीजिए। जी सिस्टर, तो हम सब अपने नाज़रीन, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप, तुझो था, तुझो है और तुझो आने वाला है, ज़िंदगी के खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए खुदा बाप, जो तूने अपने रूहुल कुछ की हदायत से हमारी मदद की और हमने तेरे पाखरू के गहरे मसा में रहकर हमने तेरे कलाम को, तेरे मुँह के इल्हाम को दूसरों तक शेयर किया। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम जो सदाकत से भरा है, हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए खुदा बाप।
हाँ खुदा बाप फसल बख्श दीजिएगा कि हम इस कलाम के वसीला से हम भी और जितनी जानों ने सुना वो सब बहुत बरकत पाएँ मसीह के कलाम से, और खुदा बाप हम तेरी कुर्बत में और तेरी नज़दीकी में इसी तरह बढ़ते जाएं, और ना कि हम सिर्फ लैंड सीजन में बल्कि दूसरे दिनों में भी और अपनी ज़िंदगी में भी खुदावन तेरे मुँह के इल्हामों को और कलाम को और पाक मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते रहें। हर रोज़ हम रूह से मैमूर होते जाएँ और हर रोज़ खुदावन यीशु राजा हम तेरे पास आते रहें। खुदा बाप हमने जो कुछ मांगा खुदावन हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आमीन आमीन। तो जी नाज़रीन, हमने सीखा और जाना कि लेंट सीज़न सिर्फ दुखों का मरहल दुखों का वक्त नहीं है, बल्कि ये आलमगीर कलीसिया के लिए तमाम रूए ज़मीन पर हमारे लिए खुशखबरी का मौका है। यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह के खून के सबब से जो हमारे लिए कफारा दिया गया, हमारा फिदिया दिया गया, ये हमारे लिए खुशी का सबब है। और इस खुशी में इसमें हमें उस यादगारी को याद रखना है कि किस तौर से हम अपने आप को दुनियावी चीज़ों से, दुनियावी हालात से, परेशानियों से अलग करके खुद को मसा और मखसूसियत में लेकर के आए, ताकि खुद भी निजात के तजर्बा को हासिल करें और बतेरों के लिए निजात का सबब बने। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।